हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए आज ही सभी बच्चे फटाफट से लाइव आइए, देन स्टार्ट अवर सेशन। ठीक है, तो जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। जैसे ही सारे बच्चे लाइव आएंगे हम क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। अगेन गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑन साउंड। ठीक है, साउंड का जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ऑन योर स्क्रीन गाइस। आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड इज लोएस्ट 4। आपको बताना है कि साउंड की जो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, जिनको हम सेकंड्स में मेजर करते हैं कि कितना वाइब्रेट कर रहा है साउंड, 1 सेकेंड इज फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी जो होती है साउंड की वो सबसे कम किस में होती है? ऑप्शन ए मैन, ऑप्शन बी वुमैन, ऑप्शन सी यंग बॉय या फिर ऑप्शन डी यंग गर्ल्स। बताइए शाबाश। फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड इज लोवेस्ट 4। सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए शाबाश। तो जिन बच्चों ने इसका आंसर किया है ऑप्शन नंबर ए, उनका बिल्कुल सही है मैन। मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों की जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है पिच। ठीक है, अगर पिच हाई होगी तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी। फ्रीक्वेंसी का और पिच का डायरेक्टली कनेक्शन रहता है, फ्रीक्वेंसी एंड पिच। और एक चीज बताई थी कि एम्पलीट्यूड और लाउडनेस का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ठीक है, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो लाउडनेस कम होगी, बट अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पिच आपकी हाई ही रहेगी। ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? पिच। पिच किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज लोवेस्ट, कम किसकी होती है? सबको पता है कि जो पिच है वो किसकी हाई होती है, पिच हमेशा हाई होती है बच्चों। तो यहाँ लोवेस्ट कुछ है तो लोवेस्ट होती है मैन के अंदर और हाई होती है वो मैन या फिर गर्ल्स, इन सबके अंदर ही हाई रहती है कहीं ना कहीं। लेकिन मैन जो अडल्ट में चले जाते हैं उनके अंदर जो फ्रिक्वेंसी है वो होती है लोवेस्ट। ठीक है, तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ साउंड। साउंड का जो नेचर है वो हम दो तरह से डिस्कस करते हैं, एक होती है अनप्लीजेंट साउंड और एक होती है प्लीजेंट साउंड। ठीक है, वो साउंड जो हमें अच्छी लगती है, ठीक है, वो साउंड जो हमें अच्छी लगती है वो होती है प्लीजेंट साउंड, और जो हमें अच्छी नहीं लगती, थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है ज्यादा ही, ठीक है, उसको कहते हैं अनप्लीजेंट साउंड। जैसे कि स्पीकिंग, बोलना, तो बोलना क्या है? प्लीजेंट साउंड है। ऐसे ही विस्परिंग, विस्परिंग भी कैसे साउंड होती है? प्लीजेंट साउंड होती है। लेकिन एरोप्लेन साउंड, एरोप्लेन की जो साउंड है वो कैसी होगी? अनप्लीजेंट होती है। ठीक है, वो हमारे कानों में बहुत देर तक उसकी जो साउंड है वो बजती रहती है, तो जो कि वो हमें अच्छी नहीं लगती अगर लॉन्ग टाइम अगर हम उसको सुनते हैं। तो एरोप्लेन की जो साउंड है वो अनप्लीजेंट होगी। हॉर्न्स ऑफ व्हीकल, व्हीकल की जो हॉर्न है वो भी अनप्लीजेंट होती हैं। रेलवे इंजन का जो हमें सुनाई देता है, जो कि बहुत लंबे टाइम तक उसका काफ़ी डिस्टेंस से ही सुनाई देने लगता है ना, वो भी अनप्लीजेंट साउंड होता है। रसलिंग ऑफ लीव्स एक प्लीजेंट साउंड रहेगी, और नेबरिंग ऑफ हॉर्स एंड नेगिंग ऑफ हॉर्स एंड टिकिंग ऑफ क्लॉक, ये दोनों ही अनप्लीजेंट साउंड होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है अनप्लीजेंट साउंड का और प्लीजेंट साउंड का। तो याद रखना कि जो स्पीकिंग है, विस्परिंग है और जो रिस्लिंग ऑफ लिप्स है, ये प्लीजेंट साउंड है। उसके अलावा जो साउंड हमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, टिक टिक जैसे कि वॉच का, क्लॉक का या फिर नेबरिंग ऑफ फोर्स, तो ये जो साउंड होती है वो अनप्लीजेंट साउंड होती है।
ठीक है, समझ आ गया सभी को यहाँ तक। हम साउंड का जो टॉपिक है वो डिस्कस कर रहे थे कि साउंड एक एनर्जी होती है एक प्रकार की, जो कि वाइब्रेशन के माध्यम से क्या करती है, फ्लो करती है, ट्रैवल करती है। तो ट्रैवल करने के उसके तीन ही मीडियम थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और हमने बताया था कि वैक्यूम में कभी भी साउंड ट्रैवल नहीं करती, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और वैक्यूम में कोई भी मीडियम उसको नहीं मिलता ट्रैवल करने के लिए, समझ आ गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, तो प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। नॉइज पोल्यूशन इज हार्मफुल फॉर। अगर नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, यानी कि जो ज्यादा होता है नॉइज पोल्यूशन, ज्यादा एरिया के अंदर, ज्यादा एक तरह से आप कह सकते हो कि जो शोर शराबा है वो ज्यादा रहता है, वो होता है नॉइज पोल्यूशन। तो वो किस किस के लिए हार्मफुल है, ह्यूमन, कैट, बर्ड्स या फिर और सभी के लिए, बताएंगे शाबाश सभी बच्चे, रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। बहुत बढ़िया, तो जिन बच्चों ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर डी, उनका बिल्कुल सही है और, यानी कि अगर नॉइज पोल्यूशन है तो वो ह्यूमंस, कैट, बर्ड्स यानी कि सभी को इफेक्ट करेगा, तो ऑल होगा इसका राइट आंसर, होगा इसका डी, ठीक है, सभी को इफेक्ट करेगा। मूव कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ऑन योर स्क्रीन। इफ वी टाइटन द स्ट्रिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट द पिच विल बी। अगर जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, स्ट्रिंग जिसकी जो वायर्स होती हैं उसको टाइट, बिल्कुल टाइटली अगर उसको होल्ड किया गया है, तो उस टाइम जो पिच वहां से निकलेगी उसके अंदर से, वो हायर होगी, लोअर होगी, कांस्टेंट रहेगी या फिर नो पिच, कोई पिच नहीं आएगी, बताइए शबाश। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है और आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या रहेगा। आपको बताना है कि जो पिच है वो उस स्ट्रिंग की वो कैसी होगी, हायर, लोअर, कॉन्स्टेंट या फिर नो पिच, बताइए शाबाश। फास्टली रिप्लाई करेंगे सभी बच्चे, सो प्लीज गाइज आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट। बहुत बढ़िया, बताइए शाबाश, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। हायर, ठीक है, तो जिन बच्चों ने ऑप्शन किया है ए हायर, कि वो जितना उसका टाइटनिंग होगा ना तो पिच उसकी उतनी ही हाई रहेगी, ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हायर होगा गाइस, ठीक है। तो जिन जिन बच्चों ने यहाँ ऑप्शन नंबर ए किया है उनका बिल्कुल सही है, बी सही नहीं होगा, ठीक है, ना ही सी होगा ना ही डी होगा, ए रहेगा इसका राइट आंसर, हायर। तो मूव कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड क्वेश्चन नंबर फोर इज ऑन योर स्क्रीन। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन सेकेंड इज कॉल्ड। एक सेकेंड के अंदर जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो साउंड्स के होते हैं उसको क्या कहते हैं, पिच, फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड या फिर इंफ्रासाउंड, बताइए कि द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन ए सेकेंड इज कॉल्ड। एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं साउंड के उनको क्या कहेंगे, पिच, फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड या फिर इंफ्रासाउंड, बताएंगे सभी बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बता रहे हैं, मोस्टली बच्चों का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया था कि एक सेकंड के अंदर, यानी सेकंड में जितनी वाइब्रेशन जो होती है नंबर वाइब्रेशन, वही क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। अब फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है पिच पे, लेकिन वो जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन होती है सेकंड के अंदर वाइब्रेशन होती है वो डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी, ठीक है, तो वो क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन यही होती है कि इन वन सेकेंड हाउ मेनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन आर देयर, दैट इज फ्रीक्वेंसी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज ऑन योर स्क्रीन। द रेंज ऑफ साउंड इज कैरेक्टराइज बाय। साउंड की जो रेंज होती है वो हम किसके थ्रू कैरेक्टराइज करते हैं,
लाउडनेस, लेंथ, वाइब्रेशन या फिर डिस्टेंस, बताएंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5, द रेंज ऑफ साउंड इज कैरेक्टराइज बाय, बताइए शब्द। चलिए बहुत बढ़िया। तो जिन जिन बच्चों ने आंसर किया है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उनका बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लाउडनेस जो रेंज होती है साउंड की, वो कैरेक्टराइज होती है लाउडनेस के अंदर, कि कितना लाउड बोला जा रहा है, ठीक है। जैसे स्पीकर लगा देते हैं तो उसी आवाज़ को क्या करते हैं, और लाउडली, यानी कि उसकी जो रेंज है साउंड की वो और बढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो उसकी जो रेंज होती है साउंड की, वो कैरेक्टराइज होती है लाउडनेस के ऊपर, यानी कि डिपेंड करती है किसके ऊपर, लाउडनेस पे। साउंड की जो रेंज होती है लेंथ पे नहीं होती, ना ही वाइब्रेशंस पे, ना ही डिस्टेंस पे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाउडनेस, ठीक है। तो जितने बच्चे एक बार वीडियो को देख रहे हैं, सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, एक बार सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे नहीं हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, यानी कि जो फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, सब्सक्राइब द चैनल, ताकि जब भी नई वीडियो आएगी आपको पहले से ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो उसके लिए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो देख रहे हैं वीडियो पसंद आ रहा है तो सभी बच्चे उसको लाइक और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देंगे, ठीक है। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6, द साउंड कैन ट्रेवल इन, आपको बताना है कि जो साउंड है वो किस किस में ट्रेवल करती है, सोलिड, लिक्विड, सॉलिड, गैस, लिक्विड या फिर ऑल ऑफ दीज, ऑफ रहेगा यहाँ, ठीक है। द साउंड कैन ट्रेवल इन, साउंड कहाँ किस किस में ट्रेवल कर सकती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर ऑल ऑफ दीज। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो कि हम कल की क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सही बच्चे रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, और कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा इस क्वेश्चन को। द साउंड कैन ट्रेवल इन सॉलिड, गैस, लिक्विड या फिर ऑल ऑफ दीज, बताइए शब्द, बताएंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत बढ़िया। तो मिक्स आंसर आ रहे हैं सभी के, और मोस्टली बच्चे जो हैं वो आंसर कर रहे हैं डी। मोस्टली बच्चों का जो आंसर है वो आ रहा है डी। तो अब जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन किया है डी, देख लेते हैं उनका सही है या गलत है, ठीक है। तो जिन्होंने किया है डी, उनका बिल्कुल सही है। मैंने पहले ही बताया था कि साउंड ट्रैवल करती है सोलिड में भी, गैस में भी और लिक्विड में भी। सिर्फ किस में ट्रैवल नहीं करती साउंड, तो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस में ट्रैवल करती है, सोलिड में, उसके बाद किस में करती है, लिक्विड, और फिर किस में करती है, गैस के अंदर, ठीक है। ये था इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर बाय, क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा ये, ठीक है। 6 तो हो चुका था, ये 7 क्वेश्चन है। लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर बाय, साउंड की जो लाउडनेस है वो किस में मेजर करती है, मीटर, सेंटीमीटर, डेसिबल या फिर नन ऑफ दिस। लाउडनेस यानी कि साउंड की जो लाउडनेस है वो मेजर किस में करती है, साउंड को किस में मेजर करती है, मीटर में, सेंटीमीटर में, डेसिबल में या फिर नन ऑफ दिस, बताएंगे भी सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 का रिप्लाई करेंगे सभी बच्चे। तो जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर लगाया है इसका सी, तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, डीबी। मैंने पहले ही बताया था साउंड को मेजर करते हैं किसमें, डीबी। डीबी का मतलब होता है डेसिबल, ठीक है। डीबी क्या होता है, डेसिबल, और लाउडनेस की भी साउंड क्या होती है, लाउडनेस को भी मेजर करते हैं डीबी, यानी कि डेसिबल में।
कि यहाँ कितनी लाउड साउंड है, ठीक है, अलग अलग एरिया में जो लाउडनेस होती है साउंड की वो अलग अलग वेरी करती है, तो उसको मेजर करते हैं डीबी के अंदर, ठीक है। तो ये थे आज के 7 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। उससे पहले एक बार सभी बच्चे ध्यान से सुन लेंगे, तो बच्चों जो आपका कोर्स आया है पेड कोर्स साइंस का 3 सितंबर टू 3 अक्टूबर, 3 सितंबर टू 3 अक्टूबर आपका साइंस का पेड बैच रहेगा। जैसे ही पेड बैच स्टार्ट होगा आपकी जो फ्री क्लासेस है वो ऑफ हो जाएंगी, क्योंकि यही टाइम मेंशन किया गया है पेड कोर्स का, उसके अलावा कोई टाइम बचता ही नहीं है। तो 2 PM आपकी जो क्लास है वो पेड कोर्स की रहेगी, तो 3 सितंबर से 3 अक्टूबर आपका पेड बैच चलेगा, और उसकी जो प्राइस है वो है 399, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 399 में आपको 1 महीने में फुल सिलेबस फुल प्रैक्टिस करवाई जाएगी साइंस की, ठीक है। तो जो बच्चा इनरोल करना चाहता है इस कोर्स के अंदर, सिर्फ उसका प्राइस है 399। तो जो फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं वो ध्यान से सुनेंगे, सिर्फ 399 के अंदर। और जो भी बच्चा इसको इनरोल करना चाहता है कोर्स को, तो वो पे कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 8570089785, ठीक है। इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, पहले मैसेज करना फिर कॉल कर लेना कि आपको किसके रिगार्डिंग बात करनी है। तो ये जो आपका कोर्स है वो रहेगा 399 का, इसमें आपका एक बैच तो ऑलरेडी चल रहा है, फिर हो चुका है 35 स्टूडेंट्स का। जो सेकेंड बैच है उसमें सीट अभी वैकेंट है, लेकिन लिमिटेड ही सीट्स हैं, बस आपको आज और कल में ही फिल करना है इसको, ठीक है। उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 20 अगस्त तक ही चल रहा है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ हो जाएंगे, और फिर मैनेज किया जाएगा कि टाइमिंग क्या रहेगी, ठीक है, कितने बच्चे हो गए जो भी है। तो 20 अगस्त आपकी लास्ट डेट रहेगी इस कोर्स के अंदर इनरोल करने की, तो जितनी जल्दी हो सकता है जिन जिन बच्चों को इनरोल करना है तो वो क्लास में इनरोल कर सकती हैं। तो एक बार आप बात कर लेंगे इस नंबर पे या मैसेज कर लेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी कि आप ही कौन कौन से चैप्टर होंगे और आपका जो मेथड रहेगा पेमेंट करने का वो क्या रहेगा, ठीक है, समझ आ गया सभी को। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड, ये क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा। साउंड मिनिमम मैक्सिमम नहीं, मिनिमम बतानी है, साउंड इज मिनिमम इन, साउंड मिनिमम किस में होती है वो आपको बताना है, गैस लिक्विड सॉलिड या फिर ऑल। मिनिमम यानी कि सबसे कम किस में होती है साउंड, मैक्सिमम तो हम कर चुके हैं ना किस में होती है, आपको मिनिमम बतानी है, मिनिमम जो साउंड है वो किस में ट्रेवल करती है सबसे कम। चलिए बहुत बढ़िया, तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर A लगाया है उनका बिल्कुल सही है, गैस, ठीक है, क्योंकि सबसे कम जो साउंड है वो ट्रेवल करती है गैस के अंदर, सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड, और सबसे कम किस में करती है गैस में। तो इसका जो होगा आपका राइट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर A। तो बच्चों डेली 2 PM रहती है आपकी साइंस की क्लास, आज नेटवर्क का इशू था, नेटवर्क काम नहीं कर रहा इसलिए जो क्लास है वो आपकी डिले की गई थी, ठीक है। डेली 2 PM होती है आपकी साइंस की क्लास, ठीक है, और वैसे डेली होती है 3 PM इंग्लिश की क्लास, बट आज नहीं होगी, ठीक है, नेटवर्क बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, इसी वजह से आपकी इंग्लिश की जो क्लास है वो नहीं हो पाएगी, नेक्स्ट डे रहेगी, ठीक है, टुमारो विल बी ऑन 3 PM, और कल जो साइंस की क्लास है वो भी 2 PM होगी, अगर इंग्लिश की क्लास है वो भी 3 PM रहेगी, कल कोई डिले नहीं होगा अगर नेटवर्क सही रहा तो, क्योंकि बारिश हो रही है, उस बारिश में नेटवर्क जो है वो काम नहीं करता, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलेंगे कल की क्लास में। अगर जिन बच्चों को स्टडी किट परचेज करना है, ठीक है, जो जो बच्चे स्टडी मटेरियल स्टडी किट परचेज करना चाहते हैं सैनिक स्कूल का 4-6 क्लास, तो वो बच्चे कर सकते हैं, उसको इस परचेज करने के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना है 9671639776। इस नंबर पे आपको कॉल या मैसेज करना है अगर आपको स्टडी किट के रिगार्डिंग जो भी बात करनी है, उसमें आपका जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा कंटेंट है, और आप सिर्फ इन कंटेंट के द्वारा भी अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप इस कंटेंट को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो भी आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। उसमें आपको एक बुक मैथमेटिक्स यानी कंसेप्ट की बुक होगी, और दूसरी आपके प्रैक्टिस के लिए वर्क बुक होती है, ऐसे ही इंग्लिश का रहेगा, एक बुक आपकी कंसेप्ट की होगी, और वो जो कंसेप्ट आप क्लियर किए गए हैं उन्हीं की आपकी प्रैक्टिस के लिए वर्क बुक रहेगी। सेम ऐसे ही रीजनिंग में होगा, जीके और साइंस के आपको हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही वोकैब की भी आपको बुक दी जा रही है। तो सिर्फ 10 बुक का सेट है, ठीक
ठीक है, एक दो तीन नहीं, पूरा 10 बुक का सेट है, और जिसका जो प्राइस है वो सिर्फ बहुत ही कम है, 4500, 4500 जो है वो इसका प्राइस है। तो जिन भी बच्चों को इसके रिगार्डिंग कोई भी बात करनी है वो इस नंबर पे कॉल करेंगे, ये सर का नंबर है, और कुछ भी पूछना हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी इस नंबर पे बात नहीं हो पाती है, सर की क्लास हो सर नहीं पिक करते, तो आप 8570089785 इस नंबर पे भी आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चाहे आप साइंस के पेड कोर्स की बात कर रहे हो, चाहे आप इंग्लिश के पेड कोर्स की बात करनी हो, जिस भी बारे में आपको बात करनी है सैनिक स्कूल के रिगार्डिंग, आप इन दोनों नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम बढ़ेंगे कल की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। तो एक बार सभी बच्चे लाइक करके थम्सअप करेंगे, ठीक है। और जो जो बच्चा टेलीग्राम पे ज्वाइन होना चाहता है तो वो इस लिंक को बायोलॉजी विद किरण मैम सर्च करेंगे और ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, बाकी हम मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव ए नाइस डे।